इस जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में अपना भाग्य निर्माण करना स्वयं मानव के हाथ में है। हर मनुष्य अपने आत्मबल के आधार पर ही सुकर्म या विकर्म करने का चुनाव करती है। यही चुनाव उसके भविष्य को निर्धारित करता है। मन में प्रभु के लिए समर्पण भाव से ही हम उस सर्वोच्च सत्ता का साथ पाने के हकदार बन जाते हैं और स्वयं ही अपने सौभाग्य का निर्माण कर पाते हैं। ओम शांति। अन्नदानं महादानं विद्यादानं ततः परं अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवं च विद्या। एक बहुत सुंदर सुभाषित है जिसे हम सालों से सुनते आए हैं। अन्नदान मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा दान कहलाता है, लेकिन अन्नदान से बढ़कर है विद्यादान, ऐसे सुभाषितकार का कहना है। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत ज्ञान श्रृंखला में आज हम कुछ अन्न की बातें भगवान के मुखारविंद से सुनेंगे और उसको भगवान जिस भाव से समझाया होगा उस भाव को समझने का छोटा सा प्रयास जरूरी है ना, कि जीवन एक अद्भुत गाथा है। इस जीवन की गाथा में हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन जो हम पाते हैं उसका सुख, जो खोते हैं उसके दुख के आगे बहुत छोटा लगता है हमको। अगर हमने कुछ खोया है तो उसको अगर हम त्याग समझ लेते हैं, जैसे कि माँ बहुत कुछ खोती है, अपना रूप खो लेती है, अपना यौवन खो लेती है, फिर भी अपने बच्चे के सुख के सामने उसने जो खोया उस त्याग को सहर्ष स्वीकार कर लेती है, जिसके कारण एक नए जीवन की उत्पत्ति भी हो जाती है और एक नन्हा सा बालक एक व्यक्ति बन सकता है। देखिए त्याग की परिभाषा कितनी गहन है। जो यज्ञ की बातें भगवान हमें समझा रहे थे, जीवन में, जीवन यज्ञ में, यज्ञान यज्ञ में कुछ पाने के लिए कुछ देना बहुत जरूरी है। हम आप सभी को पता है, जब हम समय देते हैं या किसान समय देता है, बीज बोता है और उसके लिए पानी देता है और महीनों तक इंतजार करता है, तब अनाज हमें खाने को मिलता है। जो किसान का त्याग है वो आम जनता के लिए जीवन निर्वहन के लिए अन्न की प्राप्ति हो जाती है। तो किसी का त्याग किसी का भाग्य बन गया, तो किसी का भाग्य किसी के घमंड ना बन जाए, इसलिए हर किसी को त्याग करना बहुत जरूरी है। यज्ञ हमें यही भाव सिखलाते हैं। हम तिल डालते हैं, अग्नि में स्वाहा कर देते हैं,
घी डाल देते हैं, रेशम के कपड़े डाल देते हैं, उसमें हम होम कुंड में सब कुछ डाल देते हैं। जब हम चीजों का त्याग करते हैं, उसे जलाते हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू सी धुआं निकलती है। इसके कारण एक पवित्र सा वातावरण बन जाता है। तो इसी बात को और गहराई से भगवान समझा रहे हैं। देखिए, सृष्टि का रचयिता भगवान, जिसको हम सदियों से याद करते आए, जिसकी महिमा में गाते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वो परमात्मा मनुष्यात्मा को उसी की भाषा में और जीवन की सच्ची बातें बहुत सरल शब्दों में हमारे सामने रख रहे हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, कहते हैं चार तरह के जीव है जीवराशियों में, जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वेदज। माना हम मनुष्य आत्मा, जीव जंतु जो है मनुष्य जैसे, जरायुज है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो है अंडज, और जो जूं जैसे हैं वो स्वेदज, और जो धरती से उत्पन्न होते हैं, बीज डालने से उत्पन्न होता है, उसको उद्बीज कहते हैं। लेकिन ये जो चारों जीव राशि हैं, ये चारों का जीवन अन्न पर ही निर्भर है, अन्न के आधार से ही ये जीव जंतु जीते हैं। हाँ, ये हो सकता है इसमें कोई मांसाहारी हो सकता है, कोई शाकाहारी, लेकिन मांसाहारी जो प्राणी है वो भी तो अन्न खा के ही तो जीते हैं ना। तो टोटली भगवान क्या कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो पंचभूत है, पांच तत्व है, ये पांच तत्व से बनी दुनिया में जो शरीर है, शरीर के जो उपभोग के लिए अन्न हम खाते हैं, ये अन्न के आधार से हम जीते हैं। फिर कहते हैं कि पर्जन्यात् अन्न संभवः, बारिश होती है, बारिश से अनाज उगते हैं, ठीक है ना। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बारिश होती है। हाँ, ये थोड़ा सा साइंटिफिकली हम अभी तो प्रूव नहीं कर सकते हैं कि हम जो यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, उसी से बारिश होती है। लेकिन अगर जीवन क्रम में हम ये समझे, जीवन ही एक यज्ञ है, तो इस जीवन यज्ञ में जो मनुष्यात्मा कर्म करता है, कर्म को ही यज्ञ मानता है भगवद गीता के भाष्यकार, तो अगर हम मनुष्यात्मा जो कर्म करते हैं, उसी कर्म के फल स्वरूप अच्छा बारिश या बारिश ना होना, आप सभी को पता है, जंगल काटते गए जिसका फल स्वरूप बारिश कम हो गई, और जब बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो जाती है, जहां बारिश की जरूरत नहीं है वहां खूब सारे बारिश या बरसात हम देखते हैं। मैं आपको कहूं, समुन्द्र के ऊपर इतना बारिश बरसता है, इतना बरसता है, लेकिन जहां पर बारिश की जरूरत है वहां नहीं हो रही। इसका कारण क्या है, मनुष्यात्मा का कर्म है ना। यहां पर मनुष्यात्मा का कर्म को ही यज्ञ समझकर अगर हम बात करें, ये कर्म यज्ञ है, कर्म यज्ञ से पर्जन्य या वर्षा होती है। और यज्ञ कर्म कैसे बना, यज्ञ कर्म समुद्भवः, माना फिर से भगवान यहां पर यह समझा रहे हैं, ये जीवन चक्र है, जीवन यज्ञ है। इस यज्ञ में हम मनुष्यात्मा दिन रात जो काम कर रहे हैं, अगर हम नैष्कर्म माना कर्म के बिना जीना चाहे तो भी संभव नहीं है। जब मनुष्य के अंदर राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, कोई चाहना ही नहीं है, तब वो निष्काम कर्म कर सकता है। इसलिए किसी ने कहा है कि अभाव ही कामनाओं की उत्पत्ति का कारण है। तो क्या दुनिया में हर किसी को अभाव है? नहीं, ये मनुष्य आत्मा ने सोच लिया कि मुझे अभाव है, जिसके कारण से उसे तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, और वो सोच रहा है मुझे ये कम है, मुझे ये कम है। ये क्या हो रही है, मनुष्यात्मा के मन के अंदर कमियों की जो भावना है, ये कमजोरी पैदा कर रही है, कमजोरी मनुष्यात्मा को कमजोर बना रही है, फलस्वरूप वो कर्म करने में कमजोर बन रहा है, आलसी बन रहा है,
कर्म नहीं कर रहा है, जिसका फलस्वरूप प्रकृति भी मनुष्य के विपरीत काम कर रही है। तो एक चक्र है। ये चक्र क्या है? भगवान ने जो समझाया कि मनुष्य आत्मा अन्न के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन अगर मनुष्य आत्मा अन्न खाने के लिए ही जीना शुरू कर दे तो क्या होगा? उसका एक जीता जागता उदाहरण आज का समाज है। जी हाँ, खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना और सदैव खाते रहना, उसका कोई नियम नहीं है। और जिसने हमें खाना दिया उसके लिए एक धन्यता का भाव भी नहीं है अंदर। इसके कारण मानव जीवन का चक्र, ये जो कर्म यज्ञ है, ये पूरा चक्र बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही है, इसीलिए हॉस्पिटल्स ज्यादा खुलते जा रहे हैं, इसीलिए मनुष्य आत्मा प्रकृति के साथ जूझ रहा है। कहाँ ज्यादा से ज्यादा पानी से, बाढ़ से नष्ट हो रहा है, कहाँ बिना पानी के सूखा पड़ रहा है, जिससे मनुष्य जीवन दुर्बल हो रहा है। तो बताइए, आगे जो भगवान हमें समझा रहे हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, आप जो कर्म कर रहे हो ये समझो कि ये ब्रह्म से उद्भव हुआ है। कर्म माना कर्मांतर नहीं, मनुष्य के मरने के बाद संस्कार जो करते हैं उसके नहीं। कर्म माना क्रिया। हम जो उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, धमनियों में रक्त बहता है, खून बहता है, ये सारे जो कर्म है, यहां पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म से उद्भव हुआ है। ब्रह्म से माना ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा और कर्म करने की विधि ब्रह्मा जी ने समझाई। तो तुम समझो कर्म कैसे करे, ये ब्रह्मा जी के द्वारा हम लोगों ने सीखा। लेकिन भाष्यकारों ने हमें अब तक ये समझाया है कि ब्रह्म का मतलब वेद है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, सिंपल से एक दिनचर्या है। हर रोज मनुष्य नहाता है, लेकिन कब नहाना चाहिए इसके बारे में भी शास्त्रों में हमें बताया है कि ब्राह्मण स्नान है, देवता स्नान है, ऋषि स्नान है, राक्षस स्नान है, शूद्र स्नान है, ऐसे स्नान की विधियां भी बताई हुई है। सवेरे उठते ही जो मनुष्य आत्मा स्नान कर लेता है वो ब्राह्मण स्नान कहलाता है। और उसके थोड़े से देर के बाद आप स्नान करोगे, दोपहर में आप करोगे तो वो मनुष्य स्नान कहलाता है, शाम को करोगे तो शूद्र स्नान कहलाता है, रात के बाद करोगे तो राक्षस स्नान कहलाता है। और ऐसे स्नान करने से मनुष्य शरीर पर उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में भी शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई हुई है। इसके कारण भाष्यकारों ने हमें ये समझाया कि कर्म ब्रह्म समुद्भव, माना जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इन सारी बातों का जो समझानी है ये वेदों के द्वारा मनुष्यात्मा को समझ में ली है। लेकिन दो तीन श्लोक के पहले हमने एक श्लोक सुना था, सह यज्ञाः प्रजापति, प्रजापति ने यज्ञ रचा, मनुष्यात्माओं की रचना की। तो भगवान ने मनुष्यात्माओं को कर्म यज्ञ के बारे में समझाया। हर मनुष्यात्मा को स्वयं प्रजापति या प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कर्म का ज्ञान दिया। तो यहां पर फिर उसको हम इसी तरह से समझेंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के परिवर्तन के समय भगवान ने मनुष्यात्मा को कर्म सिद्धांत के बारे में, क्या करने से कर्म सुकर्म बनता है, क्या करने से कर्म विकर्म बनता है, और कब कर्म अकर्म कहलाता है, पाप कर्म कौन सा है, पुण्य कर्म कौन सा है,
पाप कर्म से कैसे मनुष्यात्मा पापात्मा कहलाता है, पुण्य कर्म से कैसे मनुष्यात्मा पुण्यात्मा कहलाता है, इसकी बातें समझाई। हाँ, पहले हमने एक श्लोक में सुना था, यज्ञ शेष खाने से मनुष्यात्मा का पाप धुल जाते हैं। जरा सोचिए, दूसरे अध्याय में हम सुनते आए हैं आत्मा विनाशी है, आत्मा को पानी से भिगोया नहीं जा सकता है या आत्मा को आग में जलाया नहीं जा सकता। जब आत्मा को पानी से धुलाया नहीं जा सकता या आत्मा की धुलाई नहीं हो सकती है, तो यज्ञ शेष की बात जब आती है, स्थूल में तो होगी नहीं, है ना? जो हमने भगवान को भोग लगाया, थोड़ा सा मिठाई खा लिए प्रसाद के रूप में, ये उस भाव से तो कहा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को पावन करना है तो वो यज्ञ शेष करो जो भगवान ने कर्म के लिए सिखलाया है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म कहाँ से आए, ज्ञान कहाँ से आया, ब्रह्मा जी कहाँ से आए, अक्षर से निकले। अक्षर माना अक्षर परमात्मा के लिए संबोधन है। आगे चलकर हम गीता में ये भी सुनते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमं गतिमियं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्थाम परमं मम। वहां पर अक्षर, क्षर अक्षर, क्षर माना नाश होने वाला, अक्षर माना कभी नहीं नाश होने वाला, ये संबोधन परमात्मा के लिए है, भगवान के लिए है, गीता ज्ञान दाता के लिए है। तो आगे चलकर भगवान इसी श्लोक में हमें समझा रहे हैं, तस्मा सर्वगतम ब्रह्मा। इसे क्या हो गया कि ब्रह्म माना ज्ञान, या ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया वो हर मनुष्य आत्मा में है, हर मनुष्य में ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने सब मनुष्य आत्मा को ज्ञान प्रदान किया था ब्रह्मा जी के द्वारा। जो मनुष्य आत्मा में ब्रह्म ज्ञान है वो नित्य यज्ञ करता है, उसका जीवन नित्य यज्ञ बन जाता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा दुनियावी दृष्टिकोण से हम ये समझते हैं कि लोग समझते तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, माना हर एक में ब्रह्मा मौजूद है, हर एक में ब्रह्मा मौजूद है, इसका मतलब हर एक में भगवान है, ऐसी एक सोच दुनिया में चलती है। लेकिन हम अभी सुन रहे थे, जो कर्म हम कर रहे हैं ये ब्रह्मा जी के द्वारा हमें सिखाया गया है, और ब्रह्मा जी भगवान अविनाशी अयोनिज स्वयंभू अक्षर परब्रह्मा है। अक्षर परब्रह्मा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान जो संत है, जो इस ज्ञान यज्ञ को अपना यज्ञ समझ रहे हैं, जो इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित है, उस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हर मनुष्यात्मा के अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मौजूद है। या यूं कह सकते हैं कि जो मनुष्यात्मा के अंदर आत्मा है, कहते हैं ना ब्रह्मा परब्रह्मा अपरब्रह्मा, ये बहुत सारी बातें वेदोपनिषदों में हम चिंताएं वेदोपनिषदों में हम सुनते आए हैं। तो इसलिए इस श्लोक को इस भाव से अगर हम स्वीकार करेंगे कि हम जो कर्म करते हैं स्वयं परमात्मा के इशारे से, स्वयं परमात्मा के शिक्षा से, स्वयं परमात्मा के मार्गदर्शन से, ब्रह्मा जी के द्वारा इस कर्म को करने की प्रेरणा या मार्गदर्शन हमें मिला, अगर उसी अनुसार जीवन को एक यज्ञ समझकर हम करते रहेंगे, किसी दूसरे की बातों के प्रभाव में न आकर जीवन को नित्य यज्ञ रूप में अगर हम स्वीकार करेंगे, तो जीवन प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सुंदर हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है। एक बहुत सुंदर सी घटना है, एक गांव में एक ज्योतिषी पधारे और ज्योतिषी जी ने कहा कि इस गांव में 7 साल तक अभी बारिश नहीं होने वाली है, सूखा पड़ने वाला है। तो लोगों ने ज्योतिषवाणी सुनी, एक किसान ने भी सुना,
उसने सोचा जब बारिश ही नहीं होनी है तो मैं खेतों में हल चलाकर क्या करूंगा, अपना हल उठा के अंदर रख दिया। दो तीन दिन घर में बैठे रहे, कोई काम नहीं रहा, बैठे बैठे इतना थक गए और सोचे दो तीन दिन में मैं इतना परेशान हूँ बिना काम के, अगर 7 साल तक मैं हल नहीं चलाऊंगा तो शायद मैं हल चलाना ही भूल जाऊंगा। तो बारिश आए ना आए, मैं हल चलाना तो नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे सोच के वो हल उठा के गए और फिर से अपने खेती में हल चलाने लगे। पूरी तरह से अपने खेती को हल चला के ना अच्छी तरह से बीज डालने के लिए तैयार कर दिए। जब ये हल चला रहा था, सूखा पड़ा हुआ था, कहां भी बारिश नहीं नजर आ रही थी, ऊपर में एक बादल जा रहा था। वो बदली ने किसान को देखकर बोले कि अरे पागल किसान, सुना नहीं है ज्योतिषवाणी कि 7 साल तक मैं बरसूंगी नहीं आपके गांव में, फिर भी तू हल चला रहा है, फोकट में अपना श्रम क्यों व्यर्थ कर रहा है। तो किसान ने उस बादल को जवाब दिया कि अगर मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मैं अपना काम भूल जाऊंगा, मैं अपना काम भूलना नहीं चाहता, इसलिए मैं हल चला रहा हूं। जब किसान की बात बादल ने सुना तो बादल को लगा हाँ ये बात तो सही है, अगर 7 साल तक मैं बरसूंगा नहीं तो मैं भी अपना काम भूल जाऊंगा। ऐसे सोचकर उस बादल ने बारिश कर दिया। एक छोटी सी दृष्टांत है जो सुनने को मिलता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो अब हम भगवान की बातें सुन रहे थे कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये हमको ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान प्रदत्त है, और कर्म करना मनुष्यात्मा का स्वभाव है, और इस कर्म को अगर भगवान के दर्शाए हुए मार्ग पर चलकर कर्म योग में हम परिवर्तन कर लेंगे तो जीवन यज्ञ में या कर्म क्षेत्र में हम मनुष्यात्मा बहुत अच्छी तरह से त्याग मनोभाव से जीवन में सफलता पाते आगे बढ़ते रहेंगे। हम सदैव याद रखेंगे हर भाग्य के पीछे एक त्याग जरूर है, तो अगर भाग्य पाना है तो कुछ त्यागना जरूरी है। तो कोई भी पुरानी आदतें, किसी की कही हुई बातें, सुनी सुनाई बातों में हम प्रभावित ना हो, हम ये जान के चले मानव जीवन एक कर्म क्षेत्र है, और ये कर्म क्षेत्र में हम अपने कर्म को सुकर्म कैसे बनाए, कर्म को कर्तव्य में कैसे बदली करें, और कर्म को कर्तव्य में बदली करके यज्ञ सेवा के रूप में हम कर्म करें ताकि हमारा जीवन सेवा जीवन बन जाए और स्वार्थ का अंश मात्र भी नहीं रहे, जिसका फलस्वरूप हम निष्कर्म योगी बन सकते हैं, अर्थात कर्मातीत बन सकते हैं। हाँ, लगता है थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर भगवान को साथी बनाकर हम चलेंगे ना, तो साथी जब भगवान है तो काहे की चिंता, सब बातें सहज कर देगा। कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बंधा हुआ है भगवान, क्योंकि वो हमारा रचयिता है, वो हमारा पिता है। इसी भाव के साथ गीता ज्ञान को हम सहज तरीके से अपनाते हुए, भगवान जिस उद्देश्य से गीता ज्ञान को प्रदत्त कर रहे हैं उस उद्देश्य में हम सफल होंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन को सार्थक बनाने का बहुत ही सहज मार्ग सिखाती है। गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा हमें कर्मों की गहन गति समझाते हैं। जब हम परमात्मा द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें हमारा कल्याण निश्चित है। ज्ञान के सागर हमें सही कर्म चुनने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अपने भविष्य को सुंदर और अर्थपूर्ण बना सके। ईश्वर ने भाग्य निर्माण की चाबी हमारे ही हाथ में कर्म के रूप में दे दी है, और यह भी समझाया है कि त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है। जब हम यह समझें कि जीवन का महत्व पाने में नहीं बल्कि त्याग करने में है, तभी हमारा मन सकारात्मक चिंतन कर पाएगा। जीवन यज्ञ में पावन ज्वाला तभी उठ सकती है जब इसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ तथा हीन भावना की आहुति डाली जाए। इसी आहुति से मन में शांति और खुशी की सुगंध महकेगी और कर्मों का शुद्धिकरण होगा।
साथ साथ आलस्य और अहंकार को छोड़ेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो आइए परमात्मा द्वारा सहज ज्ञान को धारण कर अपना सफल भविष्य निर्माण करें। ओम शांति।